जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमारे DRDO के स्विफ्ट UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल ने ग्राउंड ट्रायल शुरू किया है। मतलब अब इसे जमीन आधारित टेस्ट किया जाएगा और डाटा कलेक्शन किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत के आगामी मानव रहित स्टील्थ बम्बर के लिए स्विफ्ट 1 टन ऑल ऑफ वेट AUW के साथ टेक्नोलॉजिकली डेमोस्ट्रेटर ने पहले असम्बल्ड किए गए प्रोटोटाइप पर अपने जमीन स्तर के परीक्षण शुरू कर दिए हैं। मतलब फ्रेंड्स, ये स्विफ्ट प्रोटोटाइप पर जो जो स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स लगाया जा रहा है, व्यवहार किया जा रहा है, ये ज़्यादातर पर दूसरे देश से यहाँ पर आयात किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर हम दूसरे देश से इसे खरीदते हैं और यहाँ पर व्यवहार करते हैं। लेकिन हमारे देश में हाल ही के डेट में DRDO की तरफ से इसके लिए इंजिन जैसे और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर STFE स्मॉल टर्बोफैन इंजिन को सिलेक्शन किया जा रहा है। साथ साथ एवियोनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे देश के ही अंदर ये स्विफ्ट के लिए फ्यूचर को देखते हुए डेवलप किया जा रहा है। मतलब फ्यूचर में जो स्विफ्ट हमारे ऑपरेशनली आएंगे तो ये हमारे स्वदेशी टेक्नोलॉजी बेस्ट रहेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे DRDO की तरफ से इसे फुल्ली रेडी करने के लिए यहाँ पर कम से कम 2-3 या 4 साल लग सकता है। तो उस टाइम हमारे ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपोनेंट्स स्पेयर पार्ट्स रेडी हो सकते हैं। और यहाँ पर ये जो टेस्ट हमारे DRDO की तरफ से किया जा रहा है, ये स्पेशली पता लगाने के लिए निम्न, मध्यम और उच्च गति वाली टैक्सी, मतलब लो, मीडियम एंड हाई स्पीड टैक्सी टेस्टिंग परीक्षण की सीरीज में शामिल होगा। मतलब यहाँ पर स्विफ्ट का प्रदर्शन, परफॉर्मेंस और एक ग्राउंड स्टेशन से उपकरण की कार्यक्षमता को सत्यापित करने के लिए ये टेस्ट किया जाएगा। मतलब वाहन को त्वरित गति तक लिया जाएगा और स्पीड को जांच किया जाएगा और डाटा कलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखें, मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार अगले कुछ हफ्तों में उड़ान परीक्षण की तैयारी की जा रही है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये डेमोस्ट्रेटर टेस्ट में विदेशी कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स को व्यवहार किया जा रहा है। ये स्विफ्ट को रशियन NPO सैटर्न 36MT टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा। जी हाँ, जिसे बाद में हमारे GTRE के STFE स्मॉल टर्बोफैन इंजन से बदला जाएगा, जो कि 450 kgf किलोग्राम फोर्स ड्राइव थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, जो कि एक ट्विन स्पोल इंजन होता है विदाउट आफ्टर बर्नर के साथ, जिसके लिए ये एक स्मॉल टर्बोफैन इंजन कहलाता है। साथ साथ प्रोग्राम को और आगे ले जाने के लिए यहाँ पर हमारे देश की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने इसी साल की शुरुआत में कॉम्पैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट CBRDE द्वारा विकसित स्विफ्ट प्रोग्राम के लिए रिटर्टेबल लैंडिंग गियर RLG सिस्टम्स दिया था, जो कि स्विफ्ट का इस्तेमाल फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन और ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग टेक्नोलॉजी, फ्लाइंग विंग डिजाइन और स्विफ्ट के लो राडार सिग्नेचर डाटा की कंट्रोलेबिलिटी और डाटा कलेक्शन करने के लिए किया जाएगा, जिसका उपयोग आगे के सुधार के लिए किया जा सकता है। ध्यान रखें, ये कम्प्लीटली अनमैन्ड स्टील्थ बम्बर होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे DRDO की तरफ से घातक स्टील्थ फ्लाइंग विंग कॉम्बैट ड्रोन से ये बिल्कुल होगा। जी हाँ, ध्यान रखें, घातक बम्बर एक मैन्ड स्टील्थ बम्बर होगा। इसे 46 kN डायट थर्स्ट क्लास स्वदेशी कावेरी इंजन के द्वारा संचालित किया जाएगा, जो 2024-25 तक उड़ान परीक्षण के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक बार में जब अधिकांश तकनीकों को स्केल डाउन स्विफ्ट वेरियंट फॉर मान्य किया जाता है। बड़ी बात यह है कि लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार स्विफ्ट अनमैन्ड विंगमैन बम्बर प्रोग्राम के हिस्से के रूप में उत्पादन में भी जा सकता है। मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन में भी इसे बहुत ही तेजी के साथ लाया जाएगा। और अभी जैसा आप लोगों को पता होगा कि चीन पूर्व लद्दाख के सामने अपने हटन एयरबेस पर GNS-20 स्ट्रेटेजिक स्टील्थ बम्बर का अंतिम परीक्षण कर रहा था। तो इसे देखते हुए हमारे DRDO की तरफ से, हमारे भारत की तरफ से कैसे हमारे देश में एक स्टील्थ अनमैन्ड बम्बर साथ साथ एक मैन्ड बम्बर को डेवलप किया जाए, इसके ऊपर अभी रिसर्च किया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है, जैसे कि बहुत ही जल्दी हमारे देश में इसे डेवलप किया जा सके। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेटेस्ट अपडेट। आशा करता हूँ लेटेस्ट अपडेट आपको जरूर अच्छा लगेगा। एक बड़ा थम्स अप दीजिए, एक बड़ा कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे और की वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और प्रेस कीजिए। आपका आशीष। जय हिंद, जय भारत।